इसराइल और हमास के बीच जंग में शुक्रवार 13 अक्टूबर का दिन अहम रहा। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों से कहा कि वो गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाए। गाजा की आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा में रहते हैं। हालांकि इजरायली बमबारी के डर के बीच उत्तरी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने आनन फानन में दक्षिण की ओर जाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीनियों का दक्षिणी गाजा की तरफ कूच शुक्रवार से ही चल रहा है। कुछ लोगों ने इस घटना को दूसरे नकबा का नाम देना शुरू कर दिया। इन लोगों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का नाम भी शामिल है। बता दें, इजरायली सेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में जमीनी कार्रवाई करने के अलावा बमबारी भी की है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नकबा क्या है, पहली बार ये कब हुआ और फिलिस्तीन इसराइल के इतिहास में नकबा का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको बताते हैं नकबा क्या है। दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनियों के लिए 15 मई का दिन इतिहास के काले अध्याय की याद दिलाता है और इस दिन को नकबा कहा जाता है। अरबी भाषा में इसका मतलब विनाश होता है। दरअसल 14 मई 1948 को जब इसराइल का गठन हुआ तो उसके अगले दिन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर भी होना पड़ा था। इजरायली सेना की कार्रवाई से परेशान होकर फिलिस्तीन अपना घर छोड़कर भाग गए। कुछ लोग खाली हाथ तो कुछ घरों पर ताला लटकाकर चले गए। फिलिस्तीनी लोगों ने अपने घरों की चाबियों को संभाल कर रखा था और हर साल 15 मई को वो इस प्रतीक के रूप में दुनिया को दिखाते हैं। नकाब को याद करने के लिए नकबा के दिन की शुरुआत फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफत ने 1998 में की थी। तब से लेकर अब तक हर साल दुनिया भर के फिलिस्तीन लोग इसे मनाते हैं। अराफत ने जिस साल नकबा के दिन का ऐलान किया उस साल इसराइल अपने गठन की 50वीं सालगिरह मना रहा था। अब आपको बताते हैं कि नकबा का फिलिस्तीन से क्या कनेक्शन है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों से वादा किया कि वो फिलिस्तीन को बांटकर उन्हें एक नया देश देगा। इससे फिलिस्तीन लोग आग बबूला हो गए। 20वीं सदी में यूरोप में रह रहे अत्याचारों से भागकर पहले ही यहूदी फिलिस्तीन पहुंच रहे थे और अत्याचारों से परेशान यहूदियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अलग देश मिले। यूरोप से आने वाले यहूदियों ने यरूशलम और उसके आसपास के इलाकों में बसना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यहूदी के आगमन के साथ ही फिलिस्तीनियों संग उनके टकराव की शुरुआत भी होने लगी। यहूदियों का कहना था कि यहाँ पर एक वक्त उनका पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज मौजूद है। इसके आधार पर उन्होंने फिलिस्तीन को अपनी मातृभूमि बताना शुरू कर दिया। बता दें, यरूशलम में मौजूद वॉल ऑफ द माउंट को उसी मंदिर का हिस्सा कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो फिलिस्तीन से आने वाले यहूदियों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ने लगी। साल 1945 तक आते आते जब फिलिस्तीन अरबों और यहूदियों के बीच टकराव बढ़ने लगा तो ये मामला ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र ने फैसला दिया कि फिलिस्तीन को दो मुल्कों में बांट दिया जाए। यहूदी तो इससे खुश थे मगर फिलिस्तीनियों में नाराजगी थी। 1948 के शुरुआती दिनों में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। फिर 1948 को मई की 14 तारीख को इसराइल के रूप में नया देश बना। इसराइल के बनने के साथ ही उसकी सेना ने फिलिस्तीनियों के विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। अब दुनिया में नया देश बन चुका था और इस वजह से जो फिलिस्तीन इसराइल वाले हिस्से में रहते थे वो अगले दिन 15 मई को वहां से घर बार छोड़कर जाने लगे। बताया जाता है कि बंटवारे के बाद 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर चले गए। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। हालात सामान्य होने के बजाय और खराब हो गए और इसे ही पहला नकबा कहा जाता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।